लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आज सुखदेव भगत नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुखदेव भगत और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी उनके नॉमिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं। और इसी को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है सीधा लोहरदगा से। करिश्मा, कांग्रेस के उम्मीदवार लोहरदगा लोकसभा सीट से सुखदेव भगत आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? लोहरदगा में किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है? कौन से प्रत्याशी हैं जो लोहरदगा लोकसभा सीट पर खड़े होने जा रहे हैं? जी काजल, आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी है लोहरदगा से सुखदेव भगत, वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। फिलहाल मैं गुमला में मौजूद हूं क्योंकि यहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए थोड़ी ही देर बाद सुखदेव भगत पहुंचेंगे और इनके साथ इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता जो है आज गुमला पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी नॉमिनेशन जब सुखदेव भगत फाइल करेंगे उस वक्त वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे, जिसके बाद सभा को भी संबोधित चंपाई सोरेन करेंगे। देखिए, मुकाबला जो है काफी क्लोज फाइट जो है वहां पर होने वाली है, क्योंकि अगर बीजेपी की ओर से देखा जाए तो चुनावी मैदान में समीर उरांव है। इसके साथ ही अगर हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी की बात करेंगे तो सुखदेव भगत चुनावी मैदान में, लेकिन अब एक और प्रत्याशी यानी कि त्रिकोणीय चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं अब लोहरदगा में देखने को मिलेगा, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जो है वो चमरा लिंडा लड़ेंगे। चमरा लिंडा झामुमो के विधायक है और ऐसे में यही माना जा रहा था कि अगर चमरा लिंडा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में कल आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रत्याशी समीर उरांव ने भी नॉमिनेशन फाइल की। इसके साथ ही निर्दलीय चुनाव जो चमरा लिंडा ने कहा था, इससे पहले उन्होंने इस बात की चर्चा की थी, इस बात की उन्होंने जिक्र किया था कि अगर झामुमो की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिलता लोहरदगा से तो वो जरूर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में चमरा लिंडा ने भी कल नॉमिनेशन फाइल किया है, तो कह सकते हैं लोहरदगा में त्रिकोणीय चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में देखिए, हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते चमरा लिंडा को, क्योंकि झामुमो के वो कह सकते एक दिग्गज नेता है। और ऐसे में यही माना जा रहा था कि अगर झामुमो के खाते में लोहरदगा सीट आता तो शायद चमरा लिंडा वहां से चुनाव लड़ते, लेकिन कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब जिस तरीके से चमरा लिंडा भी चुनावी मैदान में, समीर उरांव है, इसके साथ ही सुखदेव भगत चुनावी मैदान में, त्रिकोणीय चुनाव कहीं ना कहीं वहां पर देखने को मिलेगा। अगर 2019 के चुनाव की बात करेंगे काजल, तो 2019 में चमरा लिंडा चुनावी मैदान में नहीं थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिला था। कांग्रेस सिर्फ 10,000 वोट से पीछे हुई थी, हारी थी, और ऐसे में यह माना जा रहा था कि अगर इस बार चमरा लिंडा चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे तो जरूर कांग्रेस को इसका फायदा होगा। लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चमरा लिंडा, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। आज इस तरीके से सुखदेव भगत जो वो 11 बजे बताया जा रहा है कि नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे कि आखिर अब इस चुनाव को वो किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी जब उनसे बातचीत हुई थी काजल, तब उनका कहना था कि चमरा लिंडा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जिसको लेकर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिए, तो तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे कि आखिर किस तरीके से अब रणनीति जो है वो बदलेगी, किस तरीके से वो अब आगे लोगों से मुलाकात करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग गुमला या फिर लोहरदगा की बात करेंगे, लोहरदगा लोकसभा सीट की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं सुखदेव भगत पिछले बार भी कुछ वोट से पीछे जरूर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी ओर से यही रणनीति थी कि इस बार वो अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे। लेकिन अब चमरा लिंडा है तो आखिर किस तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ेगा, आखिर किस तरीके से रणनीति जो है इस बार कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, जरूर जानने की हम कोशिश करेंगे। जी काजल। जी करिश्मा, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है लोहरदगा सीट पर, जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल सजग हैं और बिल्कुल तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे, किसकी जो है वो वहां पर दावेदारी मजबूत दिख रही है? जी देखिए, ये कहना भी फिलहाल मुश्किल होगा कि किसकी दावेदारी मजबूत है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे सुखदेव भगत की तो कांग्रेस के वो दिग्गज नेता है, और ऐसे में अगर कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भरोसा है कि जरूर वो जीत हासिल करेंगे। और सुखदेव भगत का जो रिकॉर्ड है आपने देखा होगा 2019 में, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं कि 2019 में सुखदेव भगत सिर्फ 10,000 वोट से हार चुके थे। हालांकि अब उनका कहना है कि वो यहां पर उसको मेकअप करेंगे, लेकिन अगर हम समीर उरांव की बात करेंगे, पिछले 2019 चुनाव की बात करेंगे, तो सुदर्शन भगत चुनावी मैदान में थे, लेकिन बीजेपी की ओर से प्रत्याशी को बदला गया, अब समीर उरांव चुनावी मैदान में। तो समीर उरांव भी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। और कल आपने देखा होगा कि कल जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गुमला पहुंचे थे, तब उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो रणनीति है उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एनडीए की ओर से या फिर बीजेपी की ओर से लगातार जो नारे लगाए जा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि
मोदी फैक्टर जरूर यहाँ पर काम आएगा। इसके साथ वो कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे। अब सवाल ये उठता है और देखने वाली बात होगी कि जनता यहाँ पर किसे आगे करती है और किसके सर सजेगा ताज, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि अब चमरा लिंडा के आने से कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले चुनावी मैदान में सिर्फ दो दिग्गज थे, एक तो सुखदेव भगत और दूसरे समीर उरांव, लेकिन अब तीसरे यानी कि चमरा लिंडा भी इस चुनावी मैदान में मौजूद है। और ऐसे में कह सकते हैं कि वहां पर यानी कि लोहरदगा में जो मुकाबला होने वाला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। आखिर किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं सिंधमारी यहां पर जरूर देखने को मिलेगी और अब वक्त बताएगा, क्योंकि आज इस तरीके से सुखदेव भगत नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे, जरूर हम उनसे बातचीत करेंगे काजल और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समीकरण में कुछ बदलाव होगा, किस तरीके से वहां पर वो अब लोगों के बीच जाएंगे, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि सिंधमारी होगी, तमाम जानकारियां हम उन्हीं से लेंगे। जी जी करिश्मा, बिल्कुल हम लगातार इस मुद्दे पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।